नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइव में। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की घोषणा के बाद भाजपा कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे थे। हर जगह मिठाई बांटी गई तो वे एक दूसरे के गले लगकर बधाइयां दी। अनुसूचित जनजाति समाज से देश की पहली महिला राष्ट्रपति मुर्मू के बनने पर अभिनंदन यात्रा तक निकाली गई थी। प्रदेश भाजपा कार्यालय से शुरू हुई अभिनंदन यात्रा दिल्ली के पंथ मार्ग होते हुए गोल डाक खाना, शोका रोड, रायसीना मार्ग से होकर राजपथ तक गई। ढोल नगाड़े के साथ निकाली गई इस अभिनंदन यात्रा के दौरान फूलों की बारिश होती रही। सभी ने इस अभिनंदन यात्रा का स्वागत किया और खुशी जाहिर की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें तो हम कहीं ना कहीं देख चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं देखा यहाँ पर कि जिनके लिए ये सब किया गया वही महिला यहाँ पर मौजूद नहीं थी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। आखिरकार क्यों? लेकिन कहीं ना कहीं वजह ऐसी भी सामने आ रही कि वो आज अपने इस खास दिन पर याद कर रही थी अपने पति और अपने दोनों बेटों को। अगर वो होते तो पूरा परिवार साथ होता। वही प्रदेश भाजपा ने अभिनंदन यात्रा की तैयारी कल सुबह ही शुरू कर दी थी और देर शाम तक परिणाम घोषित हुआ तो खुशी का ठिकाना नहीं था। लोगों का जोश देखने बन रहा था और पंडित पंथ मार्ग से गुरुद्वारा रकाबगंज तक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। हाथ में तिरंगा व भाजपा का झंडा लेकर भारत माता की जय घोष करते हैं। सभी के हाथ में प्रथम नागरिक के फोटो वाला कटआउट दिखा तो एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत का नारा लगाते हैं। कई कार्यकर्ता ओडिशा की वेशभूषा में पहुंच गए तो वही अनुसूचित जनजाति समाज के पारंपरिक गाने व धुन पर थिरकते रहे। सबसे अधिक खुशी महिला कार्यकर्ताओं में दिखी। अभिनंदन यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदूड़ी, प्रदेश सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर, सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, मनोज तिवारी, रमेश भिदूड़ी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल, प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल, हर्ष मल्होत्रा, दिनेश प्रताप सिंह समेत भाजपा विधायक भी शामिल हुए। हालांकि तय कार्यक्रम के तहत इस अभिनंदन यात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल नहीं हो सके। वही अभिनंदन जुलूस को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने संबोधित किया था। प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास चरितार्थ हो रहा है। अनुसूचित जनजाति समाज से आने वाली महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाकर सबको एक आशा और विश्वास दिया है कि सच्ची मेहनत और लगन की पहचान सार्थक परिणाम देगी। मुर्मू को एक कुशल व्यक्तित्व की धनी महिला बताते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व महिलाओं को प्रेरित करने वाला है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली बार किसी आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद मिलना प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक निर्णय है। पूरी दिल्ली उनके राष्ट्रपति बनने पर हाथ खोलकर उनका स्वागत कर रही थी और अभी इंतजार बस उनकी शपथ का है। जैसे वो शपथ लेगी उसके बाद पूरी तरीके से वो देश की पहली इंसान यानी कि राष्ट्रपति बन जाएगी। तो चलिए ये वीडियो देखिए, पूरा एंड तक ये वीडियो देखिएगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पर स्वागत और मनोरंजन करते नजर आए थे। फिर अपनी राय जरूर दीजिएगा द्रौपदी मुर्मू को लेकर और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।